अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद और उम्मीद है सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे छोटा सा व्लॉग आया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे मैसेज के साथ आया है। और मैं इस वीडियो के शुरू में ही मेबल कैट फूड कंपनी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है और अपॉर्चुनिटी क्या है वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन आज हम जो है, बेसिकली मैं आपको बता दूँ, मैं काफ़ी दिनों से आ रहा था, ये जिलानी पार्क कहते हैं, बेसिकली रेस कोर्स कहते हैं अगर आप इसे देखें लाहौर के अंदर, और मैं वैसे ही वॉक करने आता था, लेकिन मैं देखता था काफ़ी सारी कैट्स यहाँ पे मौजूद हैं और अच्छी हालत में मौजूद हैं। मुझे लगता था कि शायद उनको खाने को मिलता नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कि मैं इनके लिए खाने को भी लेके आऊँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ कि क्या है। उस बाद मेबल का भी हम थोड़ा सा रिव्यू करें कि बिल्लियाँ पसंद कर रही हैं या नहीं कर रही, और आगे आगे वीडियो देखें, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। इस साइड के ऊपर काफ़ी सारी बिल्लियाँ होती हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, को डालना। ये ब्लैक कलर की कैट है, यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं कैट्स के, बेसिकली ब्लैक कलर्स के, और ये आप लोग देख सकते हैं एक किटन लग रहा है, कैट लग रही है, इसको फूड वगैरह डालते हैं और इनका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। फूड डालना है यार, जरा फूड, माशाल्लाह से इन्होंने खाना शुरू कर दिया है। बेसिकली मैं बर्तन लाना भूल गया था, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सख्ती की हुई है जिलानी पार्क में, और ये भी समझ लें कैट फूड हम छुपा के लाएँ कि हमें मना ना कर दें कि लाना है या नहीं लाना। तो आप लोग देख सकते हैं कैट जो है वो खुशी सारी ही खा रही हैं और ख़ुशी से खा रही हैं, ये मज़ा भी आ रहा है, इसका मतलब है कि पैलेटेबिलिटी जो है इस फूड की बहुत अच्छी है और कैट्स को भी मज़ा आ रहा है, एक डिफरेंट चीज़ खाने को मिली है। ये एक बहुत खूबसूरत किस्म की हमें वाइट कलर की कैट भी नज़र आई है और अच्छी खासी, मुझे लगता है इसको काफ़ी सारे लोग जो है ना खाना डालते हैं, इसको अंकल ने भी खाना डाला है, वो भी खा, और ये खाने के साथ साथ जो है उस अंकल वाला खाना छोड़ के उसने मेबल खाना शुरू कर दिया माशाल्लाह से। इसका मतलब ये है कि फूड जो है वो काफ़ी अपील कर रहा है कैट्स को, जिन्होंने आपसे पहले नहीं भी खाया उनको भी अपील कर रहा है, उनके लिए भी एक डिफरेंट चीज़ है। लें जी, ये एक और हमें मिल गया है जी, टोला काली बिल्लियों का, इनको भी डालते हैं, छोटा सा किटन है ये माशाल्लाह से, और ये भाग रहा है अभी, लेकिन इनको भी डाल के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और ये आई है पास और खाने लग गई है, इसको भी पसंद आ गया है। और इसमें मैसेज आप लोगों के लिए बेसिकली ये है कि यार आप लोग जो है वो कम अज़ कम अगर जिन्होंने बिल्लियाँ पाली हैं अपनी कैसे साथ दूसरों का भी ख्याल करें जो अपने मोहल्ले में है। अक्सर मैं लोगों को देख रहा हूँ कह रहे होते हैं कि वो एनजीओ को बुला दें, ऐसे कर लें, हमें कह रहे होते हैं ऐसे कर लें, तो कोशिश करें आप खुद थोड़ा खाना पीना इनका करें, जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ करने की वहाँ पे ज़रूर आप हेल्प मांगें। अब जैसे आप लोग अगर ऑफिस के लिए निकलते हैं, स्कूल के लिए निकलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लिए निकलते हैं, तो रस्ते में मुझे पता है काफ़ी सारी बिल्लियाँ आप लोगों को नज़र आती होंगी, तो कोशिश करें कुछ भी खाने पीने के लिए, कलेजी होगी कुछ भी उनके लिए कुछ भी बेहतर है, तो वो कुछ भी चीज़ जो है वो आप सस्ती ले कर जो है उनको डाल सकते हैं। और इस पार्क के अंदर ही मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग बिल्लियों को खाना डालते हैं, और इस वजह से यहाँ पे कैट्स जो हैं वो हेल्दी हैं, यहाँ पे कैट्स जो हैं उस तरह नहीं है कि बहुत ज़्यादा लीन है या कमज़ोर है। ये एक और हमें कैट नज़र आई है ब्राउन कलर की, आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी ये डर रही है काफ़ी ज़्यादा, और ये आ गई पास आ गई और खा लो माशाल्लाह से जी, इसने ही पास कर दी। अभी तक जितनी भी कैट्स हमें डाला है माशाल्लाह से सब ने खाया है और दबा के खाया है, इसका मतलब ये है कि ये कैट्स को काफ़ी ज़्यादा अपील कर रहा है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी कंपनी से लाजमी जो है वो सपोर्ट किया करें जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ करवा रही हैं, और होपफुली कि मेबल जाके आगे इंशाल्लाह ताला और भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाएगी। और आप लोगों का सपोर्ट है जिस तरह से आप लोग दे रहे हो, मैं दोबारा से बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो ख़ासतौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, उन लोगों के लिए एक ट्रस्टवर्थी एक ऐसी चीज़ आने वाली है कि वो खुश हो जाएंगे कि हाँ यार हमने एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल की है जो कि मानी गई है पूरी दुनिया के अंदर इंशाल्लाह ताला, तो उसका भी वेट करें इंशाल्लाह। ले जी, हम पूरा एक चक्कर मुकम्मल कर रहे हैं और आप लोगों ने कैट्स देखी हैं काफ़ी सारी, और मैं दोबारा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आस पास जानवरों का ख्याल रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 10 का ख्याल रखें, 1 का ख्याल रखें, ख्याल ज़रूर रखें, 1 अधिकांश रखें, और अपने बिना भी जितना हो सकता है कोशिश करें, जिस तरह से कोशिश करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए शेयर ना करें कि हमने कोई अच्छा काम किया, इसलिए इस नीयत से शेयर करें कि यार आप लोग जब कोई देखे
उसको भी हो यार हाँ मेरी कैट नज़र आई है मुझे कैट, मैं उसको कल से खाना डालूंगा। और इस वीडियो का यही बेसिकली एक मकसद था। अगर इस तरह की आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, ब्लॉग पसंद आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आज बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।